हम जब भी एटीएम से पैसे निकालते हैं तो एटीएम में हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है कि आप आपके पैसे सेविंग्स अकाउंट से निकालना चाहते हो या करंट अकाउंट से निकालना चाहते हो, और हम सीधे सीधे सेविंग्स अकाउंट पर क्लिक करके हमारे पैसे निकाल लेते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट में अंतर क्या होता है? चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी बैंक अपने ग्राहकों के लिए तीन तरीके के खाते खोलता है। एक खाता होता है साथी, जिसको बोला जाता है सेविंग्स अकाउंट, एक है जिसको बोला जाता है करंट अकाउंट, और एक खाता है जिसको बोला जाता है सैलरी अकाउंट। सबसे पहले सेविंग्स अकाउंट के बारे में समझते हैं। देखिए, यदि हमने सेविंग्स अकाउंट किसी बैंक में खुलाया है और हमने अपने पैसे उसमें रखे हैं, तो उसके बदले बैंक हमें ब्याज देगा, यानी हमारे पैसे को सुरक्षित रखने का भी बैंक हमें क्या देगा? ब्याज देगा। वो कौन सा अकाउंट होता है साथियों? सेविंग्स अकाउंट होता है। सेविंग्स अकाउंट को हिंदी में बोला जाता है बचत खाता, लेकिन इसमें शर्तें रहती हैं। सेविंग्स अकाउंट में हमें ट्रांजेक्शन लिमिट दिया जाता है। सब बैंकों का अलग अलग निर्धारण रहता है, सबकी अलग अलग पॉलिसी रहती है। एक ट्रांजेक्शन लिमिट रहता है, उस लिमिट को क्रॉस करते ही अगर हम ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। यह आपका सेविंग्स अकाउंट है। दूसरी तरफ आता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बिजनेस पर्पज से खोला जाता है। करंट अकाउंट में आप चाहे लाखों रुपए पटक दो, कितने भी रुपए आपके करंट अकाउंट में हो, बैंक उस पर आपको कोई ब्याज नहीं देगा। सीधा सा मतलब है कि बैंक करंट अकाउंट में पड़े हुए पैसे का इंटरेस्ट नहीं देता है, बल्कि बैंक क्या देता है? करंट अकाउंट यदि अपने पास है तो हम अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। यानी बिजनेस के उद्देश्य से बैंक कौन सा अकाउंट खोलता है? करंट अकाउंट खोलता है, जिसमें आप अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ई मित्रा है या अन्य कोई भी आपकी वर्कशॉप है, जो भी आपका बिजनेस है, उसके अनुसार आपको कौन सा अकाउंट खोला जाएगा? करंट अकाउंट खोला जाएगा। ये दो अकाउंट होते हैं जो बैंक खोल के देता है। एक और अकाउंट होता है जिसको बोला जाता है सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट क्या होता है? जब भी किसी की नई जॉब लगती है, जॉब ऑफर लेटर के अनुसार सैलरी अकाउंट खोला जाता है। सैलरी अकाउंट पर बैंक अपनी अपनी स्कीमें, सब बैंकों की अलग अलग होती है, अपनी अपनी स्कीम पर स्कीमें देता है। जैसे किसी को हेल्थ इंश्योरेंस दे सकता है, किसी को मेडिकल इंश्योरेंस दे सकता है। इस तरह की स्कीमें सैलरी अकाउंट पर भी दी जाती है। ये अंतर है सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट्स और इसके अलावा सैलरी अकाउंट। ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।